हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी पहुंच चुके हैं और एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे श्री योगेंद्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आगरा की शान उत्तर प्रदेश की जान आगरा को एक नई उम्मीद एक नई आशा एक ऐसे युवा से जिन्होंने आगरा में खेल के लिए ही नहीं हर क्षेत्र में अपना बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया। तो निश्चित ही जब मैं योगदान की बात करता हूं तो मैं अब बात कर रहा हूं हमारे अति विशिष्ट अतिथि, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं हम लोग यहां पर औपचारिक स्वागत करें सम्मान करें हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कर्नल अपूर्व त्यागी जी से आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी को बुके देकर सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उमेश शर्मा जी से बैच लगाकर योगेंद्र उपाध्याय जी का स्वागत करें सम्मान करें। सर ये बैच हमारा मैस्कॉट टिंटिन और स्वामी ऊपर आ जाओ फोटो लेने ऊपर आ जाओ। जीवन में सामाजिक जीवन में मैं समझता हूँ स्टूडेंट लाइफ से जब से योगेंद्र उपाध्याय जी ने राजनीति में प्रवेश किया एक सामाजिक जिंदगी में प्रवेश किया तभी से जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला आप में हमेशा से रहा। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का इसीलिए अभी भी सफर जारी है और ये सफर मैं चाहता हूँ सर बहुत आगे तक जाए और हम सबको इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मिलता रहे। सर आपको जान के हो सकता है आपकी जानकारी हो सर ये जो ऑडिटोरियम है सर महाकवि राष्ट्रकवि आदरणीय दुष्यंत कुमार जी की स्मृति में इसका नामकरण हुआ और कर्नल अपूर्व त्यागी जी उनके सुपुत्र हैं और महाकवि दुष्यंत जी ने पूरी पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है और उन शब्द उनके शब्दों के साथ मैं आपको आशीर्वचन के लिए इनवाइट करूंगा। आज यह दीवार परतों की तरह हिलने लगी है शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के लिए सर बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सुश्री हेमलता जी श्रीमती बीना लवानिया जी कर्नल अपूर्व त्यागी जी शिष्य अस्थाना जी मेरे बड़े भाई हरि सिंह यादव जी सुनील जोशी जी पचौरी जी जे एस फौजदार साहब सामने भी कई शख्सियतों को मैं जानता हूँ जैसे सुरेश गुप्ता जी आगरा की एक शान है ये बैठे हैं गिरधर भाई अशोक चौबे जी अपने दिनेश जी सब लोग सबका नाम लूंगा तो मैं सब जी कह देता हूँ सब जी नहीं सब सभी जी। मित्रों मैं थोड़ा विलंब से आया थोड़ा नहीं काफी सुरेंद्र जी रस्ते में कह रहे थे कि एक शो हो जाता है इस समय फिल्म का जितना दिन से आप पहुंच रहे और वो वजह ये थी कि एक सुबह कार्यक्रम था स्वच्छता अभियान का तीन जगह वहां पर थोड़ा जनता ने विलंब कर दिया फिर घर पहुंचा तो जब नहा धोकर बैठा बैठकर के भी थे तो अब भी पब्लिक को छोड़कर आ रहा हूं और जब घर पे कोई आता है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए वरना उलाहना भी मिलता है अगर छोड़ के जाते तो कहते कि मंत्री होगा इसलिए इनको हमारी चिंता नहीं कोई शायराना अंदाज में कहता तो कहता कि खुदा जब हुस्न देता है रजाकता ही जाता तो मंत्री बन गए इसलिए इनको जल्दी जल्दी पड़ जाए और वहां देर हो रही है उनको एंटरटेन कर रहे हैं तो यहां पर
राजीव जी और पालीवाल जी बार फोन पे फोन कि आप देर कर रहे हैं देर कर रहे हैं। तो मजबूरी होती है सार्वजनिक जीवन की। आशा है कि मेरी मजबूरियों को आप माफ करेंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो हमारी मजबूरी थी वो आप समझेंगे, मुझे माफ करेंगे। ये दो शख्सियत आगरा की, राजीव जी और पालीवाल जी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ को मैं बता देता हूं कि वो लोग हैं जो फुटप्रिंट्स बनाते हैं और लोग उन फुटप्रिंट्सों पर चलते हैं। आज हम जो टीवी चैनल्स देख रहे हैं ना, जब कल्पना नहीं थी कि कुछ इस बात की, तब आगरा डायरी करके इन्होंने आगरा में न्यूज टीवी पर आए ये शुरू किया था। जब सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो ये समाचार जो होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनको पिक्चराइज करना और फिर उनको कलेक्ट संकलित करना, संकलित करके एक वीडियो, उस समय आते थे कैसेट्स, उस कैसेट्स में बनाना, और उस समय जो मोहल्लों के चैनल्स पिक्चर दिखाने वाले उनको देना और समाचार घर घर पहुंचाना, ये अब साकार हुआ ये आज तक। और जी न्यूज वगैरह वगैरह ये सब इन दोनों की देन है। तो ये तो वो है कि मैं अकेला चल पड़ा था राह मंजिल में, मगर लोग जो मिलते गए और कारवां बनता गया। आज पूरे देश में जो इलेक्ट्रो मीडिया है शुरुआत करने वाले ये दो शख्सियत है आगरा की, ये हमें गौरव है इस बात का। दूसरी गौरव है हेमलता जी, मेरे कई रिश्ते इनसे, एक तो पड़ोसी थी हमारे पुराने घर की जो ओल्ड ईर्गा कॉलोनी में, हमारे पिताजी के स्कूल चलाते थे उसको पढ़ती थी, और वहां पर मैं देखता था लड़कों के साथ खेलती थी ज्यादातर क्रिकेट। शायद वो शार्पनेस इसीलिए इनके अंदर आई क्योंकि वो अपने से कहीं बेहतर बच्ची थी उस समय, बड़े बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। और आज पूरे देश में आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं। अब तो जैसा इन्होंने बताया कि अफगानी साहब है ना, अब ये दूसरा मेरा रिश्ता हो गया कि अफगानी साहब वहां रहते थे, अब तो स्वर्गवासी हो गए जहां अब मैं रहता हूं, हमारे पड़ोसी थे। तो इनका जन्म और शैशव काल जहां बीता वो हमारा पुराने घर का पड़ोस है, और इनके गुरु जिन्होंने तराशा वो उनको हमारे पड़ोसी थे, तो नए घर के हैं। इन्होंने एक नाम दिया है और जो नई श्रृंखला चली प्रीति डिमरी, ये दीप्ति शर्मा यादव, एक नई पीढ़ी में जो महिलाओं में क्रिकेट आया वो देन हेमलता जी की है। तो हमारे आगरा में जो मशाल जलाई जिन्होंने खेल की और इलेक्ट्रो मीडिया की, वो भी मौजूद है और क्रिकेट की महिलाओं में मशाल जलाने वाली भी मौजूद है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने आगरा को कुछ दिया। हम लेते तो बहुत कुछ है समाज से, देते क्या है जो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये समाज हमें बहुत कुछ देता है। और आज जब मैं सुन रहा था हेमलता जी को तो मैंने कहा तो क्रिकेट की खिलाड़ी भी है और इस मंच से भाषण देने की खिलाड़ी भी, अच्छा भाषण देने अब खतरा है मुझे कहीं मेरी सीट पर ना आ जाए। खैर, जो इन्होंने कहा ना कि
ग्रास रूट से पेड़ बनता है, गमलों में कभी वृक्ष नहीं उगते, गमलों में हमेशा पौधे उगते हैं। पेड़ के लिए तो जमीन चाहिए, जमीन पर वृक्ष होते हैं जो छाया देते हैं, फल देते हैं। चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अर्थनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा नीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, ग्रास रूट से ही वृक्ष बनता है। पैरा टूपर कभी सफल नहीं होते, न गमलों में पेड़ उगा करते हैं। तो इन्होंने, राजीव जी ने और परिवार जी ने इस आगरा की धरती को वो गेम्स दिए, वो खेल दिया, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो खेलों के मैदान से होगा, क्योंकि वहां पर शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये दोनों मिलती है। शारीरिक शक्ति जो कि खेल रहा है, पूरा एक्सरसाइज हो रही है, और मानसिक शक्ति ये मिलती है कि कैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, संगठित होकर कैसे लड़ूं, और जो मुझे टारगेट है उसे कैसे अचीव करूं। इसलिए शक्तिशाली भारत का निर्माण वहां से होगा, ये स्वामी जी ने लिखा कहा, और आज हमारे नेता मोदी जी उसको फॉलो कर रहे हैं। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, ये उन्होंने शुरुआत की है, और उसके सुपरिणाम भी आप सामने देख रहे हैं कि पहले कहीं कहीं कभी कांस्य पदक में हम संतोष करते थे, या कभी सिल्वर मिल जाता था, कभी कभी हॉकी गोल्ड ले आते थी, लेकिन अब काफी मात्रा में शूटिंग हो, तीरंदाजी हो, एथलेटिक्स हो, कई जगह गोल्ड हिंदुस्तान ला रहा है। तो उसकी नींव यदि पड़ रही है, जो अभी हेमलता जी कह रही थी कि ग्राउंड से पेड़ बनेंगे, तो आप और आप कर रहे हैं, आपका पूरा ये संस्थान कर रहा है। आगरा में तो ये दिया है, मशाल जरूर मुझसे जलवा लेंगे, लेकिन मशाल इन्होंने ही जलाई। एक अच्छी शुरुआत है, पूरा शहर इसमें है, और ये देशभक्ति का परिचायक है। देखिए, देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, क्या वो जो सैनिक फौज का वहां लड़ता है, गोली खाता है, ठीक है, वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है, उसकी राष्ट्रभक्ति सराहनीय है, लेकिन राष्ट्रभक्ति यह भी है कि समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, यह समाज से जो जिम्मेदारी हमने ली है, उसका ईमानदारी और निष्ठा से पालन करें, सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो आप लोग भी जो कर रहे हैं वह राष्ट्रभक्ति है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, जनता के लिए काम किया, जब आपने जिम्मेदारी दी है तो मुझे करना है। मैंने आगरा में जब पहला चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी देखता था पानी की समस्या को, लगता था तड़प थी। मैंने देखा महिलाओं को आधा आधा किलोमीटर सुबह 4 बजे 5 बजे पानी लेने जाते हुए, क्यों नहीं उनकी व्यवस्था की गई। सोचा कि इसके जब चुनाव लड़ रहा था कि जीतूंगा तो सबसे पहला काम आगरा की पानी की समस्या का निदान होगा, क्योंकि पानी यानी जल आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। खाक पति से खरब पति तक को पानी चाहिए, हवा के बाद सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तु है। अब खरब पति तो अपने यहां चलिए व्यवस्था कर लेता है, भूगर्भ जल स्तर का उपयोग कर लेता है, और वहां कभी खारा निकलता है तो बाजार से भी खरीद लेता है बोतल मंगाकर, लेकिन एक आम आदमी क्या करेगा। तब गंगा जल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित कर उसको आगरा लाया,